संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि रयत माऊली सौ लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील यांच्या स्मृतीची मी अभिवादन करतो. कीर्तुरबांधवांच्या नावाचं विद्यापीठ सुरू झाल्यानंतर कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सातारा हे विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर आपलं जे घटक महाविद्यालय आहे त्या घटक महाविद्यालयाचा हा पहिला कार्यक्रम आहे. वार्षिक पारितोषिक वितरण किंवा ज्याला आपण ॲन्युअल डे असं सुद्धा म्हणतो. आज या महाविद्यालयातर्फे अत्यंत भव्य अशा प्रमाणामध्ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित होत आहे. नेहमी एका बंदिस्त हॉलमध्ये हा कार्यक्रम साजरा होत जायचा, परंतु पहिल्यांदाच एक असं ओपन थिएटर टाईप अशा हॉलमध्ये हा कार्यक्रम आपण आयोजित करत आहोत. शैक्षणिक, कला किंवा क्रीडा क्षेत्रामध्ये आपले जे विद्यार्थी चमकदार कामगिरी करतात, जे शिक्षक विविध पातळीवर यश प्राप्त करतात, त्या सर्व विद्यार्थ्यांचा किंवा शिक्षकांचा गुणगौरव समारंभ आज या माध्यमातून आपण साजरा करत आहोत. विविध स्तरावर, मग विद्यापीठ स्तर असो, आंतरविद्यापीठ स्तर असो, ऑल इंडिया इंटर युनिव्हर्सिटी स्तरावर असो किंवा स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल इत्यादी विविध स्तरावर क्रीडा माध्यमामध्ये ज्यांनी विविध पारितोषिके मिळवलेली आहेत त्यांचा गुणगौरव आपण स्थानिक पातळीवर करत असतोच, परंतु बाहेरील एका नामवंत व्यक्तींच्याकडून असा पुरस्कार जर प्राप्त झाला, त्यांच्या पाठीवर जर कौतुकाची थाप मिळाली, तर त्यातून त्या विद्यार्थ्याला हुरूप येतो आणि चांगली कामगिरी करण्यासाठी भविष्यामध्ये त्यांना प्रेरणा मिळत असते. आज या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रयत शिक्षण संस्थेचे सहसचिव प्रिन्सिपल डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदे साहेब इथं उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय डॉक्टर भावेश भाटिया साहेब इथं उपस्थित आहेत. आपण सर्वांनी त्यांचं टाळ्याच्या गजरात स्वागत. आपण खूप नशीबवान आहोत, हे खूप चांगले वक्ते प्रमुख पाहुणे म्हणून इथं प्राप्त झालेले आहे. त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर या संस्थेचे, या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर आर डी गायकवाड साहेब इथं उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे शारीरिक शिक्षणाचे संचालक प्राध्यापक विक्रमसिंह नानावरे सर, शारीरिक शिक्षणाचे काम पाहणारे क्रीडा शिक्षक ज्युनियर विभागाचे प्राध्यापक अभिषेक कलम, या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्राध्यापिका डॉक्टर रोशनारा शेख मॅडम, प्राध्यापक डॉक्टर रामराजे माने देशमुख, त्याचप्रमाणे ज्युनियर विभागाचे उपप्राचार्य प्राध्यापक गणेश पाटील हेही इथं उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आणि अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक IPAC म्हणतो आपण त्याला, प्रोफेसर डॉक्टर अनिलकुमार वावरे इथं उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे इतर व्यासपीठावर मान्यवर उपस्थित आपण सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी
शिक्षक शिक्षित सेवक आणि इतर सर्व मान्यवर त्या सर्वांचं मी या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय डॉक्टर भावेश भाटिया, त्यांचा थोडक्यात परिचय मी करून देत आहे. माननीय डॉक्टर भावेश भाटिया हे यशस्वी उद्योजक आहेतच आणि त्याचबरोबर एक नावाजलेले खेळाडू म्हणूनही त्यांची त्या देशामध्ये अग्रक्रमाने त्यांचं नाव घेतलं जातं. विविध विद्यापीठांनी 8 वेळा त्यांना डॉक्टरेट बहाल केलेली आहे आणि त्यामध्ये राणी चेन्नम्मा विद्यापीठ जे बेळगावीला आहे तिथं त्यांना पद्मभूषण आणि भूतपूर्व इस्रोचे चेअरमन डॉक्टर कस्तुरी रंगन यांच्या हस्ते डिलीट पुरस्कार दिलीप पदवी हे पुरस्कारित करण्यात आली होती. आणि सामाजिक उद्योजकता सोशल एंटरप्रेन्योरशिप याबद्दल त्यांना ती डिलीट देण्यात आलेली होती. त्यांनी सनराइज कॅन्डल नावाचा उद्योग त्यांनी उभारला 1994 साली. अजूनही त्या उद्योगाचे ते अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात आणि 14 राज्यांमध्ये त्या उद्योगाचा प्रसार झालेला आहे. जवळजवळ 71 युनिट्स त्यांनी 14 राज्यांमध्ये उभारले आहेत. 9,500 पेक्षा जास्त अंध किंवा दिव्यांगजनांना त्यांनी नोकऱ्या किंवा रोजगार मिळवून दिलेला आहे. त्याचबरोबर शायरी शेरू शायरी वगैरे ती करत असतात. 5,000 पेक्षा जास्त त्यांनी शायऱ्या लिहिलेल्या आहेत. त्याने एक आत्मचरित्र लिहिलेलं आहे रुक जाना नहीं, हे आत्मचरित्राचं नाव आहे आणि त्याचं प्रकाशन 3 डिसेंबर 2018 रोजी भारताचे पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि त्या आत्मचरित्राला प्रस्तावना श्रीमती नीता अंबानी यांनी केलेली आहे. त्या पुस्तकाचं मराठी भाषांतरही झालं आणि त्या भाषांतरित आवृत्तीचं प्रकाशन तत्कालीन राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते झालेलं आहे. अल्पावधीतच ते पुस्तक बेस्ट सेलर ठरलं आणि 2023 सालचा ज्ञानदीप पुरस्कार त्या पुस्तकाला प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे अशा विविध भाषेत त्या पुस्तकाचा अनुवाद झालेला आहे. कन्नड भाषेतलं त्यांचं हे जे काय पुस्तक आहे ते साहित्य अकादमी विजेत्या कन्नड साहित्यिका श्रीमती नेमीचंद्रजी यांनी लिहिलेलं आहे. यावरून त्या पुस्तकाचं मूल्य आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलं पाहिजे. त्या स्पोर्ट्समध्ये त्यांची चमकदार कामगिरी आहे. शॉर्ट पुट असेल किंवा डिस्कस आणि जॉवलिन थ्रो या खेळामधील 117 पॅरालिम्पिक पदकं त्यांनी मिळवलेली आहे. 117 बिलीव ते 100% अंध आहे तरी सुद्धा आफ्रिकेतील माउंट किली मंजारो, लेह लद्दाखमधील टोक कांगरी, नेपाळमधील मीरा हिल्स आणि महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसुबाईचं शिखर आपण ज्याला म्हणतो ते शिखर त्यांनी 9 वेळा सर केलेलं आहे आणि तेही अत्यंत विक्रमी वेळेत हे सांगायला मला आनंद वाटतो. भारत शासनाची जी काही स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आहे त्या मिनिस्ट्रीनं त्यांचा जो उद्योग आहे सनराइज कॅन्डल्स त्यावर डॉक्युमेंटरी प्रकाशित केलेली आहे. एक यशस्वी उद्योग म्हणून मेक इन इंडिया असेल किंवा स्किल इंडिया असेल किंवा आत्मनिर्भर भारत असेल त्यामध्ये त्यांची नोंद झालेली आहे आणि ज्याद्वारे 1,000 दिव्यांगजनांच्यासाठी नोकऱ्यांच्या संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्यांनी अनेक पदंसुद्धा भूषवलेली आहेत
अनेक पदांना ते न्याय देत आहेत। म्हणजे पॅरालिम्पिक कमिटी जी का आहे त्या कमिटीचे कमिटीमधील जी व्हिज्युअली इम्पेअर्ड कॅटेगरी आहे दिव्यांगजनांच्यासाठी त्या कमिटीचे जे चेअरमन म्हणून काम पाहत आहेत। महाराष्ट्र राज्याची जी नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ही जी समिती आहे त्यामध्ये स्पोर्ट्सचा जो काही माध्यम आहे त्यामध्ये ते चेअरमन म्हणून काम पाहत आहे। महाराष्ट्र राज्यातील नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड म्हणजे NAB त्याचे ते ब्रँड ॲम्बॅसेडर आहे। आपल्या सातारा जिल्ह्याशी ते अगदी जवळून त्यांचा संबंध आहे। सातारा जिल्ह्याचे समाज कल्याण जो विभाग आहे जो पालकमंत्र्यांच्या अधीन असतो त्यामध्ये ब्लाइंड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम पाहत आहेत। सातारा जिल्ह्याच्या नॅपचे ते संचालकही आहेत। आणि महाराष्ट्र असो गुजरात असो मध्य प्रदेश असो किंवा ओरिसा असो अशा अनेक राज्यामध्ये दिव्यांगजनांच्यासाठी ज्या कल्याणाच्या ज्या काही योजना आहेत ज्या समिती आहेत त्यामध्येही ते वेळोवेळी काम करत आलेले आहे। हे त्यांचं जे काही सामाजिक कार्य आहे त्यामुळं ते अनेक पुरस्काराचे धनी झालेले आहेत। त्यांना 3 आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित केलेलं आहे। अत्यंत महत्त्वाचं असं प्रेसिडेंट्स नॅशनल अवॉर्ड त्यांना 3 वेळा मिळालेला आहे 2014, 2016 आणि 2019। त्यानंतर भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंटकडून त्यांना प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड मिळालेले आहे। त्यांना 2023 सालचा चालू वर्षीचा भारतीय उद्योग रत्न पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। महाराष्ट्र शासनाचा दिव्यांग भूषण उद्योजकता पुरस्कार 2016 साली मिळाला आणि तो महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आलेला होता। एकूणच त्यांच्या आयुष्याचा जो काही प्रवास आहे लाईफ जर्नी त्यावर केंद्र शासनाच्या स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीनं डॉक्युमेंटरी तयार केलेली आहे। अनेक समाज माध्यमांच्यावर TV चॅनेल्सवर त्यांच्या मुलाखतीचं प्रक्षेपण वारंवार होत असतं। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ते एक सुप्रसिद्ध आणि सुप्रसिद्ध प्रेरणादायी आणि प्रेरक वक्ते आहे ज्याला आपण इन्स्पिरेशनल अँड मोटिवेशनल स्पीकर असं म्हणतो। आणि त्या अंतर्गत त्यांनी या भारतामध्ये 5000 जास्त भाषणं दिलेली आहेत। म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या आस्थापनामध्ये त्यांनी हे भाषण दिलेले आहे। मग ते कॉर्पोरेट हाऊसेस असोत, IT कंपन्या असोत, महाविद्यालय असोत, IITs असोत, रोटरी क्लब, रोटरी लायन्स वगैरे वगैरे वगैरे, म्हणजे अशा विविध ठिकाणी त्यांनी भाषणं देऊन श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केलेलं आहे। त्यांना आयुष्याची दिशा दाखवलेली आहे। त्यांना प्रेरणास्त्रोत म्हणून त्यांचं काम केलेलं आहे। आणि आता या सर्वामध्ये आपल्या महाविद्यालयाचं नाव येणार आहे। आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये ते भाषण देणार आहे म्हणजे इन्स्पिरेशनल किंवा मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून ते भाषण देणार आहे। म्हणजे एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आज आपल्याला तिथं प्रमुख पाहुणे म्हणून प्राप्त झालेलं आहे। आपण सर्वांनी परत एकदा त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत। त्याचबरोबर परत एकदा आपल्या सर्वांचं मी या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो आणि माझी थोडीशी प्रस्तावना संपवतो। धन्यवाद। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक उच्च शिक्षण विभागाचे सहसचिव सन्माननीय प्रिन्सिपल डॉक्टर शिवलिंग वेंकटे साहेब यांचा यथोचित सन्मान सोहळा महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर शिवा या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय डॉक्टर भावेश भाटिया, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रयत शिक्षण संस्थेचे उच्च विभागाचे सहसचिव माननीय प्रिन्सिपल डॉक्टर शिवलिंग मेनकुद्रे साहेब,
या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य आणि संस्थेचे माजी सचिव प्रिंसिपल डॉक्टर आर डी गायकवाड साहेब, आपल्या कॉलेजचे आदरणीय प्राचार्य वर्य, शिक्षण संस्थेचे सचिव माननीय डॉक्टर विठ्ठल शिवनकर साहेब, उपप्राचार्य डॉक्टर वावरे सर, डॉक्टर सो शेख मॅडम, डॉक्टर रामराजे माने देशमुख ज्युनियर कॉलेजचे उपप्राचार्य श्री गणेश पाटील सर, महाविद्यालयाचे निबंधक अधीक्षक जिमखाना कमिटीचे सर्व सदस्य, सर्व शिक्षक शिक्षकेतर सेवक आणि आपण उपस्थित सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाचा जिमखाना अहवाल आपणासमोर सादर करताना मला विशेष आनंद होत आहे. छत्रपती शिवाजी कॉलेजला दैदिप्यमान परंपरा लाभलेली आहे. यामध्ये खेळाचे आणि क्रीडा विभागाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. आजपर्यंत या कॉलेजने अनेक प्रतिष्ठित खेळाडू दिले आहेत. यामध्ये 6 शिवछत्रपती अवॉर्ड विजेते खेळाडू, 2 महाराष्ट्र केसरी, अनेक आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय विजेते आहेत. आणि हीच उज्ज्वल परंपरा पुढे चालू ठेवण्याचं कार्य या वर्षीच्या खेळाडूंनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. यावर्षी राष्ट्रीय खेळाडू तुषार काळुके याने चेन्नई येथे झालेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ मैदानी स्पर्धेत 2 राष्ट्रीय रेकॉर्ड बनवून 4x400 मीटर रिले मध्ये कांस्य पदक आणि 4x400 मीटर मिक्स रिलेमध्ये चतुर्थ क्रमांक मिळवला. त्यापूर्वी चेन्नई येथे झालेल्या साऊथ वेस्ट झोन आंतरविद्यापीठ मैदानी स्पर्धेत दोन्ही रिले प्रकारामध्ये सुवर्णपदके मिळवली. महाविद्यालयाचा मलखांब खेळाडू दर्शन मनियार याने अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत कांस्य पदक मिळवले. खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेत 2 रौप्य पदके मिळवली. तसेच महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेत कांस्य पदक मिळवले. आणि शिवाजी विद्यापीठ स्तरेवरील स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक आणि सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा बहुमान पटकावला. या दोन्ही खेळाडूंची निवड खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झालेली आहे. त्याचबरोबर कुमारी श्वेता माळवे आणि कुमारी प्रगती काळे यांनी अश्वमेध क्रीडा महोत्सव आंतरविद्यापीठ खो खो स्पर्धेत कांस्य पदक मिळवले. तसेच वेस्ट झोन आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत त्या सहभागी झाल्या. कुमारी स्वराली मोहिते हिने छत्तीसगड येथील वेस्ट झोन मैदानी स्पर्धेत 400 मीटर आणि 4x400 मीटर रिले स्पर्धेत सुवर्णपदक आणि बेस्ट परफॉर्मर अवॉर्ड मिळवला. महाविद्यालयाचा क्रिकेट खेळाडू अजय शिंदे याची कॅनडा येथे होणाऱ्या काउंटी क्रिकेट लीग साठी 1 वर्षाचा करार होऊन निवड झालेली आहे. तसेच धरमशाला येथे राष्ट्रीय क्रिकेट लीगमध्ये रोख रकमेची बोली लागून त्याची या स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आलेली आहे. महाविद्यालयाची बॉक्सर कुमारी मृणाल जाधव हिने महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक तसेच ऑल इंडिया इंटर युनिव्हर्सिटी स्पर्धेत सहभाग नोंदवलेला आहे. जय चव्हाण बॉक्सिंग, ऋषिकेश गुजर धनुर्विद्या, प्रतीक चव्हाण मयूर कणसे आणि साक्षी जांभळे रग्बी, गार्गी साखरे कबड्डी, असे 19 खेळाडूंची निवड शिवाजी विद्यापीठ संघाकडून अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेसाठी झालेली आहे. त्याचबरोबर खेलो इंडिया आंतरविद्यापीठ स्पर्धेसाठी या सर्वांची निवड झालेली आहे. यावर्षी महाविद्यालयाच्या खेळाडूंनी 150 जास्त पदके मिळवत नेत्रदीपक कामगिरी करून नावलौकिक वाढवलं आहे. त्यामध्ये कबड्डी मुलींच्या संघाने 17 विभागीय स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले. मुलं आणि मुलींच्या मैदानी स्पर्धेच्या संघाने उपविजेतेपद मिळवले. खो खो मुली, व्हॉलीबॉल मुली, बॅडमिंटन मुली या संघांनी उपविजेतेपद, तर टेबल टेनिस मुलींच्या संघाने तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. महाविद्यालयाच्या ज्युनियर विभागाने सुद्धा नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. कुमारी मिताली गुंजावले हिची राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झालेली आहे. तर कुमारी स्वप्ना चव्हाण हिने शालेय राज्यस्तर बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलेलं आहे. कुमारी अपूर्वा बोटे हिने शालेय राज्यस्तर स्पर्धेत तिहेरी उडीमध्ये कांस्य पदक मिळवलेले आहे. अमय देशपांडे यांनी राज्यस्तर कराटे चॅम्पियन स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलेलं आहे. कुमारी पूर्वा केंद्रे, धीरज कवळे, अमित जाधव यांनी शालेय राज्यस्तर मैदानी स्पर्धेत, तर कुमारी शिवानी धनावडे फुटबॉल आणि ओंकार जाधव वेटलिफ्टिंग यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे. क्रिकेट मुलांचा संघ, मैदानी स्पर्धा, व्हॉलीबॉल मुली, कबड्डी मुले, फुटबॉल मुलींच्या संघांनी तालुका आणि जिल्हा स्पर्धेत विजेतेपद मिळवलेलं आहे. यावर्षी जिमखाना विभागाने 17 विभागीय आंतरमहाविद्यालयीन तायकोंदो स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन केले. त्याचबरोबर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत सातारा ते प्रतापगड मोटरसायकल रॅली, खेळाडूंसाठी फिजिकल फिटनेस कॉम्पिटिशन, किल्ले अजिंक्य तारा गिर्यारोहण स्पर्धा, 5 वेगवेगळ्या खेळांचे कोचिंग कॅम्प आणि विद्यार्थ्यांसाठी योगा स्किल एनहान्समेंट कोर्सचे यशस्वी आयोजन केले.
त्याचबरोबर महाविद्यालयाच्या क्रीडांगणाचे नूतनीकरणाचे काम हे पूर्णत्वाला येत आहे. वरील प्रमाणे यश मिळवत असताना आम्हाला महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य माननीय डॉक्टर विठ्ठल शिवनकर साहेबांचं मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन आम्हाला सतत मिळत असतं. खेळाडूंप्रती वेगवेगळ्या त्यांना सुविधा प्रोव्हाइड करणं असू दे किंवा त्यांना खेळण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावरती प्रोत्साहित करणं असू दे, साहेबांचं मार्गदर्शन आम्हाला सतत मिळत असतं. त्याचबरोबर माननीय उपप्राचार्य, जिमखाना कमिटीचे सर्व सदस्य, सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आम्हाला केलेल्या सहकार्याबद्दल मी सर्वांचा ऋणी आहे. धन्यवाद. उपस्थित सभी मान्यवर और सामने बैठे सभी पुरुषार्थी और इतनी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबकी उपस्थिति में ही प्राचार्य सर जो जबरदस्त ऊर्जा, जो जबरदस्त एनर्जी मैं इस पूरे माहौल में महसूस कर रहा हूं, उसके लिए शुरुआत में यह बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कोरोना के इस अंधेरे में भी, कोरोना के इस अंधेरे में भी आशा की दीपावली कायम रहे, इस बड़े से शहर में उम्मीद की कली कायम रहे और परछाइयां कहने लगी कि यही तो समय की रीत है, बीमारी चाहे जो भी हो जिंदा दिली कायम रहे, जिंदा दिली कायम रहे. और आज सबसे बड़ा उल्लेख में मेरे सबसे यंग मित्र जो हमारे गायकवाड़ साहब यहाँ पे पधारे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, उनके साथ चाय पीने का भी मौका मिला. 88 की उम्र है रनिंग, लेकिन मैं गायकवाड़ साहब से कहता हूं कि उनकी जो ऊर्जा, उनसे जो बातें की मैंने, सर आप 88 मत कहा करें, 8 और 8 16 कहा करें सर, आपकी ऊर्जा बिल्कुल उतनी है सर. अभी यहाँ है, शाम को कोल्हापुर जाने वाले हैं, वहां से फिर पंढरपुर, कितनी ऊर्जा सर. आप खरे अर्थ में हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत है. लेकिन दोस्तों, समाज में कुछ जगह पे हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ लोग धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही होती है शिवलिंग साहब, बड़ी मीडिया कवरेज मिलती है, बड़ी तालियां मिलती हैं, लेकिन समाज में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का काम नहीं करते, वो काम को ही अपना धर्म बना लेते हैं. और मुझे लगता है उन सभी चुनिंदा लोगों में जो सबसे सर्वोच्च स्थान पे विराजमान है, वो हमारा प्यारा छत्रपति शिवाजी कॉलेज है. हमारे ये सभी मान्यवर हैं, हमारे सभी मार्गदर्शक हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन ही है कि आज ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम वहां पे हम इतनी सुंदर पद्धति से ले रहे हैं. लेकिन इसके लिए दोस्तों सबसे जो जरूरी बात है वो है विजन की. अमेरिका के एक बहुत मशहूर लेखक हुए मार्क ट्विन, वो हर बार कहते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसको अपना बायोलॉजिकल जन्म मिलता है और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है. दिखता नहीं दिखता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है. साइट नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन विजन का होना बहुत जरूरी है. और मेरे हिसाब से तो बिना विजन की जिंदगी मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं है. हाल के दिनों में काफी हर्डल से हम लोग निकले, कोविड गया, लॉकडाउन गया, तो रशिया, यूक्रेन, ताइवान, चाइना, कुछ न कुछ लगा रहा पूरी दुनिया में, उसका काफी असर हमारी भी जिंदगी में हुआ. लेकिन वॉरेन बफेट से लेकर रॉबर्ट कियोसाकी तक ने दुनिया की ऊंची से ऊंची मंजिल के टेरेस पे खड़े रहकर हर बार एक ही बात कही कि जहां पर क्राइसिस है वहां पे अपॉर्चुनिटीज है. अगर इस तरह से दिखता नहीं है कोई शारीरिक अक्षमता है, अगर ये क्राइसिस है तो मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ आगे जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी निर्माण होती है. और इसके लिए प्राचार्य सर मैं हर बार कहता हूं कि अपनी उलझनों से ही हमें, जो हमारे प्रॉब्लम है, जो हमारी दिक्कतें हैं, कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले. जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले और उसके खारेपन में, अरे उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले. तो ये जिंदगी का जो खारापन है वही हमें और मजबूत करता है.
बचपन से लेके आज तक जब भी प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, उन दिनों से माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। मेरे सर पर हाथ फेर कर उसने हर बार एक ही बात कही कि भावेश, तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डालकर रो, अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता, एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। और बात निकली है, दोस्तों, तो कुछ रिसर्च वाली बात भी बता दूं कि जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना, तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती है तो मेरी हालत देख रहे हो क्या हो रही है। आज अगली बार आऊंगा ननवरे साहब, आपके कारण मैं दूसरी बार इस प्यारे से इस एनर्जिक वातावरण में आ पाया, आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कब कभी भविष्य में आने का मौका मिला तो कुछ गर्लफ्रेंड वाले भी रिसर्च है मेरे पास में, मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। माँ के आशीर्वाद ही थे विठल सर के 16 साल की उम्र में विद्मा वन साइटेड फ्रेंड, जिसको एक ही पैर है, हम दोनों ने मिलकर टेंडम साइकिल बनाई थी, दो पेडल वाली साइकिल। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना और पीछे बैठ के मैं पेडलिंग करता, और इस तरह से गोंदिया महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस गोंदिया, हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की थी 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ से और कई रिकॉर्ड उसको दर्जा दिया गया। लेकिन ये हर्डल, स्पीड ब्रेकर गायकवाड़ साहब, ये जो हर्डल, स्पीड ब्रेकर, परेशानी, तकलीफ, ये जो शब्द है वो कभी अकेले नहीं चलते, पूरे परिवार के साथ में चलते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ, एक हाथ में एमए की फर्स्ट क्लास की दो दो डिग्रियां थी, लेकिन माँ नहीं थी। उन्हीं दिनों 4 स्टेज ब्लड कैंसर से माँ का निधन हो चुका था, लाखों रुपए का कर्जा, 50,000 के इंजेक्शन उन दिनों अमेरिका से मंगाए जाते थे माँ की कीमोथेरेपी के लिए। माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे। मैं सिंगल चाइल्ड और ब्रदर सिस्टर कोई है नहीं, डैडी को संभालना था। डैडी इन सब परेशानियों के चलते जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको लेके आगे बढ़ना था। बचपन से क्रिएटिविटी की चाह थी, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स हाथ में लगी थी, तब लगता कि यही मेरे लिए ठीक है। आगे चलकर माँ के जो कहे हुए शब्द थे कि कुछ अलग करने की कोशिश जरूर करना, तो मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के एक पुनर्वसन केंद्र में एक साल रह के कुछ प्लेन कैंडल बनाने की ट्रेनिंग ली, कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग मिली, सब सर्टिफिकेट लेके मेरा होम टाउन जो महाबलेश्वर है मैं आया। मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए थे मेरी इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, लेकिन बैंकों के पास वे भी नहीं थे। वैसे आप सब जानती हैं कि बैंक उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खरे अर्थ में उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो मसाज के तौर पर काम करके आजू बाजू के होटल और रिसोर्ट में 5-10-20 रुपए जमा करके मैंने 5,000 रुपए जोड़े, जो मेरी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए चाहिए थे। जो पैसे बच गए उसमें से एक सादी मोमबत्ती की डाई और 20 किलो कच्चा माल खरीदा, और एक छोटे से भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की नींव रखी। लेकिन शिवलिंग साहब, हम हमारी चीजें बनाए हुई बेचे नहीं, तब तक काम आगे कैसे बढ़े? तो महाबलेश्वर के फुटपाथ पे 50 रुपए भाड़े पे, डेली बेसिस पे 50 रुपए भाड़े पे एक हाथ गाड़ी लेकर दिन भर की बनाई हुई कैंडल वहां पे बेचने की कोशिश करता। लेकिन आज मैं बिल्कुल फक्र के साथ कह सकता हूं कि उस हैंड कार्ड पे जो भी मैंने सबसे सही काम किया वो था कि जो भी सामने ग्राहक आए उनको मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की, उन सभी ग्राहकों को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, तुम एक अच्छी गुजराती परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुम अपने नाम की तरह बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। आज सालों बीत गए लेकिन आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की उन बातों को समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया गणेश भाई साहब, लेकिन कई बार वो संजोगवश जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले हमारा लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ा। आप भी आगे चलकर अपना फैमिली बिजनेस शुरू करोगे, स्पोर्ट्स के साथ साथ में आप पढ़ाई पूरी करके अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करोगे, कुछ बिजनेस शुरू करोगे, लेकिन हर एक ग्राहक
हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, ये छोटी सी घटना के साथ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। उस हैंड कार्ड पे जब भी मैं अकेला होता, मैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर मैं काफी रिसर्च करता, मेरे प्रोडक्ट को छूकर आपस में वो क्या बातें करते, इस तरह से मैं अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तैयार करता। कई बार ऐसा भी होता ननवड़े साहब की उस हैंड कार्ड पे कपल जो आता, जो हस्बैंड वाइफ आते और उसकी वाइफ के हाथों से ढोए हुए चूड़ियों की आवाज आती होती और हस्बैंड बड़ा इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए खरीद लो, यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता। अगर मार्केट में से जा भी रहे होंगे और सामने साड़ी की दुकान दिख गई तो हस्बैंड अपनी वाइफ को बातों में उलझा कर कब वो डेंजर जोन पार कर दिया जाए उसकी फिराक में रहता है, लेकिन वहां पे उससे उल्टा होता है। एक तो चूड़ियों की आवाज और हस्बैंड का इंसिस्ट करना अपनी वाइफ को खरीदी के लिए, तब मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च मुझे बता देते कि ये जो सामने खड़ा बंदा है नया नया सही दुआ लगता है, उसको अपनी शादीशुदा जिंदगी की कोई खास अनुभव नहीं है। और ऐसे एक कपल का आना, वही चूड़ियों की आवाज, वही इंसिस्ट करना और मुझसे रहा नहीं गया। पूछने पे पता चला 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई, जब से उस हैंड कार्ड पे जो पहली कैंडल हाथ में लगी शायद एक 60 रुपए वाली पानी में तैरने वाली फ्लोटिंग फ्लावर थी, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, थोड़े हेजिटेट भी हुए, गिफ्ट तो रखी लेकिन दूसरी जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुका है। जिस ग्रोसरी शॉप के बाहर मैं अपनी हैंड कार्ड लगाता था उसका लैंडलाइन नंबर लिया, वे गए 15 दिन के बाद मुझे फोन आया उस नंबर पे, मैं कुछ कहूँ उसके पहले उन्होंने ही अपनी पहचान देनी शुरू की कि आपने वो वेडिंग गिफ्ट दी थी, हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैंने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा देखो मिस्टर भाटिया मैं आपको मेरा कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इन्फोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ, 24,000 एम्प्लॉई है, 40 दिन के बाद एक फंक्शन हमने रखा हुआ है जहाँ तुम्हारा इसे पूछे बिना मैंने तुम्हारे रहने खाने की और दोनों जगह पे फेस 1 फेस 2 में स्टॉल भी रखवा दिए हैं, बस लास्ट को इतनी कैंडल लेके आओ, 50-60 डिजाइन में बना लेता था, तय दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को मदद के लिए लेकर मैं पहुंच गया इन्फोसिस, जैसे उन्होंने वादा किया था हर प्रकार की व्यवस्था मेरे लिए कर रखी थी। लेकिन एक बड़ा प्यारा काम उन्होंने किया था कि हर एक 24,000 में से हर एक एम्प्लॉय को मेल करके उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा था कि किसी और स्टॉल पे जाओ मत जाओ, उस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना बहुत जरूरी है। और उनकी इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में अभी तो 3रा दिन शुरू ही होना था और हमारी कैंडल खत्म होने की थी, फिर तो हमने कुछ कैंडल बचा के रखी थी जो दिखा दिखा के हम ऑर्डर बुक कर रहे थे, और उस 60 रुपये वाले फ्लावर ने ये कमाल किया जो कभी मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देना चाहा था। जब हम इन्फोसिस से लौटे प्राचार्य सर तो 19 लाख रुपये का बिजनेस लेके लौटे। तो एक इंडिविजुअल ग्राहक हमको किन ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक बात ऐसी घटी गायकवाड़ साहब जिसने मेरी पूरी जीवन ही बदल के रख दी। रोशना बहन उन दिनों नीता मेरी धर्मपत्नी मुंबई से एज ए टूरिस्ट आई हुई थी महाबलेश्वर, 8-8, 9-9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस, मुझे उस हैंड कार्ड पे अकेला देखकर रोज शाम को आके उसने मुझे हेल्प करनी शुरू की। 18 दिन तो बड़े अच्छे कटे, पास में एक बड़ा सा उनका बंगलो भी था महाबलेश्वर में, जब भी वो फ्री होते एक दूसरे के बारे में पूछने की कोशिश करते, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते, इन 18 दिनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी और 19वें दिन शायद मेरी खूबसूरती काम कर गई और उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। पीछे नगरपालिका की खुली गटर बह रही थी, मैं तो गिरते गिरते बचा जब उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आया। लेकिन उसने जो बात कही एक वो आज एक एक शब्द आज भी मुझे याद है कि भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में किए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा, मुझे जिंदगी में पैसों की सिवा कोई बात ही समझ में नहीं आई, लेकिन इस हैंड कार्ड पे 18 दिन आपके साथ काम करके मुझे मेरी जिंदगी का विजन मिल चुका है। हम दोनों एक होते हैं, तुम्हारे पास एक बड़ा जबरदस्त आर्ट है लेकिन तुम्हें एक साथी सपोर्ट की जरूरत है, हम मिलकर ऐसे हजारों की संख्या में हमारे दिव्यांग और ब्लाइंड मित्र हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। मैं ना नहीं कह सका, हमने तो प्राचार्य सर उस फुटपाथ पे एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वह पीछे विलन बहुत थे, अनारकली के लिए एक मुगल बादशाह थे लेकिन मेरे लिए मुगल बादशाहों की फौज थी,
उसके माता पिता तो कन्विंस हुए, लेकिन और जो इन दोस्त थे और जो रिश्तेदार थे वो कहां मानने वाले थे। अनिल सर उन्होंने शर्त रख दी कि अभी सगाई करते हैं, एक साल के बाद शादी। उनको लगा इस एक साल में लड़की के सर से ये समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहां मानने वाला था, हर हफ्ते में उससे मुंबई जाता मिलने के लिए कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे। अब एक स्ट्रीट होकर पैसे कहां से निकाले मुंबई जाने के लिए, बस का भाड़ा कहां से निकाले। तो जो आजू बाजू के स्ट्रीट होकर थे उनसे उधार के पैसे लेके मुंबई जाना, और इन उधार के पैसों में मुंबई जाते जाते मेरे दिल की हर धड़कन एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। मुझे प्राचार्य सर मालूम है बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं, उनको और कोई उनको कोई ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं सुननी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बस आप सबको विनंती करना चाहता हूं कि मेरी लाइनों को रट्टा लगा लो, आने वाले दिनों में आपको बड़ी काम आने वाली है ना। हर हफ्ते लगा चलो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर लगा मेरी छोटी सी गिफ्ट रोशना बहन उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगी, चलो कुछ फ्लावर ही ले लेते हैं। लेकिन मैं एक भी फ्लावर उसके लिए नहीं खरीद पाया हर हफ्ते जब भी मैं उससे मिलने गया, क्योंकि जब जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची मेरे दिल की धड़कन ने एक ही बात कही कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं, कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। कदम साहब एक साल पूरा हुआ और मैं नहीं चाहता था अपने घर से एक रुपया भी लाए, मेरी इन भावनाओं की बड़ी कदर की, और हमने महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिलाकर हमारी शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से उस हैंड कार्ड पे हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन एक गिल्ट एक जिल्लत एक शर्म बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे वो कहीं भी पूरा नहीं हो पा रहा था। हम यहाँ खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते और तभी लकड़ियां पटकते हुए और हमारे ब्लाइंड मित्र वहां से निकल जाते, ये बड़ा दुखद होता। ऐसे ही पांच ब्लाइंड मित्रों को हमने स्टॉल पे बुलाया, 300 रुपये रोज का रहने खाने के वादा करके, उन दिनों हैसियत नहीं थी लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी थी, उनको सब व्यवस्था और 300 रुपये रोज के देने का वादा करके हमने हमारे साथ जोड़ा। देखिए ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। अब वर्कशॉप का भाड़ा, कच्चा माल, रोज के पैसे देना, खाने रहने की व्यवस्था और बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार, जो भी सेविंग थी बड़ी स्पीड में खत्म होने लगी। तब लगा कि ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, आपके मेरी तरह, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, कि तुरंत बड़े बुजुर्गों की तरफ से खपोड़ा चल जाता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। आपने सुना नहीं सुना लेकिन मैंने ये लाइन कितनी कितनी बार सुनी थी, और उन दिनों पहली बार लगा कि बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे लेकिन दिल की गहराई से कुछ और आ रहा था कि ये क्या बात होगी, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें, हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते। और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। उन्हीं दिनों मैंने रेडियो पे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की बड़ी खूबसूरत एक स्पीच सुनी थी, जिसकी एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। वाट पाहणाऱ्यांचे हाता तेवढा देतो जेवढा प्रयत्न करणारे छोड़ून देता। इस लाइन से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की राह न देखते हुए, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए, एक लीन एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए गायकवाड़ साहब हमने आगे बढ़ना शुरू किया। जहां टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा कर दिया, जहां कमरा मिला हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आजू बाजू के जिलों से होते हुए आजू बाजू के राज्यों के हमारे दृष्टिबाधित ब्लाइंड मित्र हमसे जुड़ना चाहते थे। हमने कंपनी को डिजाइन ही इस तरह से किया कि इसमें कोई मालिक नौकर न हो,
जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था नंग पे डाला गया, मार्केटिंग पूरा डिडक्शन पे, इसलिए हर एक इंडिविजुअल अपना 100% देने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से शुरुआत की थी आज सनराइज कैंडल 30 सालों में 10,700 से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस करती है। जो 20 किलो से शुरुआत की थी गए साल हमें 3000 मेट्रिक टन से ज्यादा कच्चा माल कम पड़ गया। करीब 70 देशों में पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और सबसे खुशी की बात है जैसे प्राचार्य सर ने कहा 9,500 से ज्यादा मेरे दृष्टिबाधित मित्र एक 20-25 हजार से लेके 40-50-60 हजार रुपया मंथली इनकम पाकर अपने घर पर पैर पे खड़े हैं। जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे आज काम करके पैसा भेजकर वे अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर खुदा को थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखें, कोई भी अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ जब 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुकेश अंबानी और माननीय नीता अंबानी वो अवार्ड देके गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर हम अपनी कार में बिठाकर नरीमाइन पॉइंट में अपने ऑफिस में ले गए। अपनी केबिन में ले जाकर मुझे प्राचार्य सर मेरे हाथ में एक कवर देते हुए कहा कि इसमें 51 लाख का चेक है और MD साहब जो मुकेश अंबानी साहब वो चाहते थे कि ये कवर आप तक पहुंचे। उन दिनों वहां के संस्कार गायकवाड़ साहब काम आ गए, जट से मैंने वो कवर उनको वापस देते हुए कहा नहीं सर मुझे पैसों की नहीं मुझे काम की जरूरत है, आप दे सकते हैं तो मुझे काम दीजिए। और ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। शिवलिंग साहब मुझे बताइए इससे बड़ी बिजनेस की बात, इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्या हो सकती है कि 2008 में कभी 51 लाख का चेक लौटा कर 2008 से टिल टुडे करीब 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 135 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस हमें अब तक दे चुकी है। मेरी बायोग्राफी तैयार हुई तो उसकी प्रस्तावना भी श्रीमती नीता अंबानी जी ने लिख दी। जब 11 मार्च 2019 में आकाश अंबानी जी की शादी हुई तो वहां हमें उन VVIP गेस्ट में हमें भी बुलाया गया। तो सबसे बड़ी जो फायदा हुआ रिलायंस का पैसा न लेकर के जब उनका परचेस ऑर्डर आया तो काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया और आज काफी बड़े बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिकल्स हैं, होटल ग्रुप्स हैं, उन सब के लिए हम काम करते, कंपनी के ट्रेडमार्क सिंबल से लेके हर चीज हम मोम में बना लेते हैं। 2014 में हमने किंगफिशर जो कंपनी है उसके लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। अब ये तो विद्या का मंदिर है, ये मैं प्रोडक्ट भी नहीं बता सकता, लेकिन एक सैंपल के तौर पर मैं एक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस तरह से हमने 3.5 लाख बियर मग हमने किंगफिशर के लिए बनाए थे। अब ये देखकर मुंह में पानी लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मोम से बना हुआ है ना, और ये चिल्ड भी नहीं है। कॉम्बिनेशन भी जेल एंड हार्डवेक के साथ हमने ऐसे 3.5 लाख पीस किंगफिशर के लिए बनाए थे। लेकिन गायकवाड़ साहब, प्राचार्य सर, शिवलिंग भाई साहब, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि विजय माल्या जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे नहीं होता। अभी मैं मेरे परम मित्र विक्रम भाई साहब के साथ में मैं इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता वसूली के लिए। अभी यहाँ पे 500 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हमें केस स्टडी करती हैं, लेकिन मैं उन तमाम विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले चीजों को बेचना सीखें, मार्केटिंग सीखें, बनाना तो फिर भी आज नहीं तो कल आप सीख ही जाओगे, क्योंकि हम दुनिया की कोई भी भाषा उठा लें उसमें हमें ये कहावत मिलेगी कि अगर बेच सकते हो तो मिट्टी भी बेच सकते हो, अदरवाइज आप सोना भी नहीं बेच सकते। तो मार्केटिंग सबसे जरूरी है, बोलना सबसे जरूरी है, हर एक ग्राहक को अपना दोस्त बनाना सबसे जरूरी है। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग महाबलेश्वर यूनिट में आमिर खान जी खुद आए थे, एक आधे घंटे का पूरा एपिसोड सत्यमेव जयते जो सीरियल थी आमिर खान जी की, बड़ी प्रीचियस सीरियल, उसका एक पूरा एक एपिसोड हम पे बनाया गया। 2014 में पहली बार जो 1969 से नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के हाथों, पहली बार
सनराइज कैंडल को कैंडल इंडस्ट्री का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार 2014 में दिया गया अंध स्वयं रोजगार का। बड़ी खुशी हुई कि चलो एक राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए, लेकिन दिल्ली से लौटकर दूसरे दिन आकर प्राचार्य सर, मैंने उन तमाम स्ट्रीट होकर को ढूंढा जिन्होंने कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी वो जगह खाली कराने के लिए, और मैंने आकर उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और उनको मैंने एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। आपने मुझे और मजबूत कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। हमारे जीवन में भी ये जो रुकावटें, तकलीफें, परेशानियां आती हैं वो हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, हमें ऊपर उठाने के लिए है। आज स्पोर्ट्स में भी चौथा, पांचवा, छठवां नंबर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दें, हम खेलना छोड़ दें। यहां से तो खरे अर्थ में शुरुआत होती है। अगर छठा सातवां नंबर नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये जो असफलता है वही हमें और मजबूत करती है। तो उन तमाम स्ट्रीट वर्कर को मैंने मिठाइयां दी, उनके सपोर्ट से मैं शायद राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाया। इस मानसिकता पे स्वामी विवेकानंद जी बड़ी प्यारी बात कहते थे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही गलत है। तो दोस्तों ये तकलीफें हमें और मजबूत करती हैं आगे बढ़ने के लिए। और इस मानसिकता पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना, अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो हम संघर्षों से लड़े, न कि पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करें। 2016 में जो दूसरा नेशनल दिया गया वो 58,000 नॉमिनेशन में से एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, काम देने वाले का, नियोक्ता का हमें दूसरा नेशनल दिया गया। 2019 में रोल मॉडल इंडिया का तीसरा। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड से आज इस मंच तक का सफर है, उसमें मैं कहना चाहता हूं प्राचार्य सर, इसमें एक ही शब्द काम आया और वो था मेहनत, हार्डवर्क, हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस हार्डवर्क, इस मेहनत के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है। मेरी इन चार लाइनों को आप बिल्कुल अपने साथ बांध कर लेके जाना, आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाली है। कि ये जो दिया होता है मोमबत्ती, के समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है, आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रोंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत का कोई अंतर नहीं है। आज हर एक यूथ को, हर एक यंग को लगता है कि बस मैंने लिफ्ट में जाना है, बटन दबाना है और रातों रात मैंने टॉप फ्लोर पे पहुंच जाना है। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जगह पर शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्टेप 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 करके आगे बढ़ने की जो खुशी है ना, बहुत बड़ी है। हमने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी ना कि मुझे दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, याद नहीं रहता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों जो है सबसे ठीक है, ईश्वर खुदा ने हमें जैसा बनाया कुछ सोच समझ कर बनाया, उनको धन्यवाद करें आज की परिस्थितियों के लिए और आगे बढ़े। नहीं तो एमए की, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास की दो दो डिग्रियां मेरे पास थी, थोड़ी और कोशिश करता तो मैं भी किसी बैंक में क्लर्की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सेंक्शन करता होता, लेकिन सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता। आप ही की तरह काफी विद्यार्थियों से मिलता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए भी बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल है। अभी वही टीनेजर्स की बात करें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप हो गए, कहीं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए, बस मुंह लटकाए हुए बैठे हुए। मैं उन सभी से कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस भी क्षेत्र में हम हाथ डाले सफलता ही सफलता मिलेगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी। तो उन असफलताओं को हम स्वीकार करना सीखे और असफलताओं की बुनियाद पे सफलताओं की इमारतें खड़ी की जा सकती है।
मैंने एक फिल्म देखी थी मेरी वाइफ के साथ, थ्री इडियट, आप सबने भी देखी रहेगी, बड़ी प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छा मैसेज था, लेकिन उसका एक सीन मुझे समझ में नहीं आया। उस हेलीकॉप्टर बनाने का जो प्रोजेक्ट उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को दिया गया था, वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया तो क्या करता है, पंखे से लटक कर खुद उड़ गया, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आज हम तुरंत तुरंत गिव अप करने के लिए, तुरंत तुरंत हम एक लास्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए बिल्कुल उतावले हो जाते हैं। काफी मैंने सोचा है इस बारे में, तब लगा कि उसने अपने आप को चार दीवारी में बंद कर रखा था, उसने दोस्त बनाने ही बंद कर दिए थे। दोस्तों, जिस उम्र में आप हैं, एक चार पांच तीन दोस्तों का आपके सराउंडिंग में होना बहुत जरूरी है। आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तीन चार ऐसे अच्छे दोस्त आपके सराउंडिंग में बिल्कुल होने चाहिए, जिनको आप दिल की पूरी पूरी बातें कह सके और उनसे अपने दिल का पूरा हाल आप बयान कर सके, और जब भी कभी भविष्य में न हो, आपके जीवन में ऐसा कभी भी क्षण आए, आज के दिन को याद करके आप चाबी के उस गुच्छे को याद कर लेना जिसमें 30 40 50 कितने भी चाबियां हो, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो बस हम निरंतर प्रयत्नशील रहे, गिव अप करने से ज्यादा कहां कम पड़ गए, कहां पे हमारी वीकनेस है, उसको ढूंढते हुए उसको और मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जो आज भी ये हताशा डिप्रेशन के माहौल में है, आज इस मंच से मैं उनको बिल्कुल कह देना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह, हर दिन, एक नई सुबह, जो बीत गया उसको हम डस्टर से साफ करें, और जो एम्प्टी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे सुवर्ण अक्षरों से वापस अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। एक पॉजिटिव अप्रोच का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो महात्मा गांधी जी के तीन बंदरों वाली बात आपने, मैंने, सबने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन तीन बंदरों के परिवार में एक और बंदर को शामिल करने की जरूरत है, और वो है बुरा मत सोचो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है। ओशो जो आचार्य रजनीश थे, वो अक्सर इस ताकत को अस्तित्व का नाम देते थे, हर बार कहते थे कि एक ताकत पृथ्वी पे बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए बड़ी तत्पर होती है। आप फिल्म की बात ज्यादा समझते हो तो शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान इसी ताकत को कायनात का नाम दे दे, हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक अदृश्य ताकत बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर अच्छा क्यों ना सोचे, पॉजिटिव क्यों ना सोचे, एनर्जी क्यों ना सोचे, दूसरे की बुराइयां और दूसरों की वीकनेस ढूंढते ढूंढते फिर जाने का वक्त आ जाता है, और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा कि आईना पोछता रहा, आईना साफ है, बस हम अपने चेहरे की धूल को साफ करें, आगे बढ़े। अच्छा, आप सर के काफी विद्यार्थी मित्रों से जब मैं हाथ मिलाता हूं, प्राचार्य सर इनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां क्यों पहनी, कहते अभी बस स्पोर्ट्स पास में आ गए, एग्जाम पास में आ गई, तैयारियां हुई नहीं, इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे बताते भी कि देखो सर, ये जो लाल वाला पत्थर का टुकड़ा हमने हमने अपनी अंगूठी में सजाया हुआ है वो मंगल ग्रह का है, ये दूसरा वाला किसी और ग्रह का, दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में सजाए हुए हैं। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे, उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे, जो अच्छा बुरा करना है हमने खुद ने अपना करना है। वामन राव पै मराठी साहित्य में क्या खूब कहते हैं कि तुझ तुझे जीवनाचा शिल्पकार, बार का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। लेकिन जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हुए हैं, उन तमाम मित्रों को मैं कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, अरे शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं, कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं हमारी जिंदगी की। मुझे अभी भी लग रहा है प्राचार्य सर के जिन्होंने अपने उंगलियों में ऐसी अंगूठियां पहनी हुई हो दिल से ताली नहीं बजा रहे
मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आया, लेकिन ये अंधविश्वास से दूर रहकर हम अपने आप पे भरोसा कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक 10-12 मिनट और लेता हूं मैं आपकी। कुछ 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से दोस्तों स्पोर्ट्स करीब करीब निकल चुकी थी, और जिस कार्यक्रम के लिए हम आप जुड़े हैं तो उसके साथ मैं कहां जुड़ता हूं, मैं उसका थोड़ा सा एक 5-7 मिनट में आपके साथ बात करना चाहता हूं। जिस तरह से ओलंपिक होते हैं आप सब जानते हैं, पैरा ओलंपिक, अब तो पैरा ओलंपिक ओलंपिक से भी ज्यादा प्रचलित होने लग गया, काफी लोग उसको देखने लग गए, सराहने लग गए। गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक, शॉटपुट, डिस्कस, जावलियन, बचपन से गायकवाड़ साहब मेरे पसंदीदा खेल थे, और पहली बार मुझे डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक यहाँ सतारा जिले में खेलने का मौका मिला साउथ स्टेडियम में। वहां से क्लियर कर 2000-2001 में मैं पहली बार नेशनल खेला बेंगलोर में कंतीरवा स्टेडियम में, और 2002 में एक ऐसा समा बंधा कि 2002 से टिल टुडे मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। मुझे विक्रम सरसरी के अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने काफी टेक्निकल जो मेरे प्रॉब्लम्स थे ये स्पोर्ट्स के, उसमें मुझे काफी सपोर्ट किया, इसके लिए मैं विक्रम सर का आजीवन ऋणी भी रहूंगा। और 2002 से टिल टुडे मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। कुछ मेडल्स मैं आपके लिए दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अब तक मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं दोस्तों, टोटल 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं। महाबलेश्वर में यूनियन बैंक में 3 लोकर हमें दिए गए सिर्फ मेडल रखने के लिए, लेकिन इसमें मेरी वाइफ का बड़ा जबरदस्त योगदान है। वो कहती थी कि भाई आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम तक जाना पड़ता है, कितना अच्छा हो कि जिम ही आप तक आ जाए। उसने घर पे एक जिम लगा दी। अब परिस्थिति यह है विक्रम सर के, रोज सुबह 4 से 8 जिम में जाना पड़ता है, उसके बिना नाश्ता ही नसीब नहीं होता। अब कई बार रात को ट्रैवल हो जाती है, 2-3 बजे वापस आओ तो बट नेचुरली सुबह जिम में नहीं जा पाते, फिर वो नाश्ता नहीं मिलता, फिर बड़ी खुशामते करो, बड़ी मिन्नते करो तो आधा सा पराठा दे दिया जाता है। उस प्लेट को लेके जिम के किसी कोने में चेहरा नीचे करके गुनेगार की तरह चुपचाप खा लेता हूँ गायकवाड़ साहब, और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन ये सब के सब मेडल नीता मेरी धर्म पत्नी को समर्पित है। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, एक भी नहीं खाता, लेकिन रोज का नियमित शराब, आज भी 50 की उम्र में 350-400 पुशअप्स रोज लगाता हूँ, ग्राउंड प्रैक्टिस है। लेकिन परेशानियां मेरे स्पेन के कोच ने बढ़ा दी, ननौड़े सर जानते हैं, रोज मेल करके वो मुझसे कहता कि बाकी सब ठीक है, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन आपने 6 से 8 किलोमीटर दौड़ना चाहिए स्टेमिना के लिए। अभी उसको क्या मालूम कि यहाँ हालत खराब हो जाती है, लेकिन कोच कहता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि साई को रोज रिपोर्ट्स भी भेजनी होती है। मेरी वाइफ ने कहा चलो कुछ रास्ता निकालते हैं, अपनी कार में बिठा कर वो महाबलेश्वर में एक पोलो ग्राउंड है वहाँ ले गई, बड़ा सा ग्राउंड, उसने कहा 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड लगाओ तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, उसके साथ हाथ में हाथ बांधकर भागूंगा, लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की में से 15-1 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली, एक छोर उसने अपनी कार के कैरियर को लगाया, दूसरा छोर मेरे हाथ में, उसने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो, और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं भी रोशना बहन बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्म पत्नी ने, लेकिन ये खुशियां सिर्फ 7 दिन टिकी, 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो गड़बड़ है, और उस दिन से आज तक मुझे उससे बड़ा दबके रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को अपनी वाइफ से दबके रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि आज गलती से उसके सामने ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और बोलो जोर से फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब के सब मेडल उसको समर्पित है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार, हर चीज फिट है। हमने मोबाइल क्या हमारे हाथ में आ गया, ये स्मार्टफोन क्या हमारे हाथ में आ गया, हमने खेलना ही शायद हम भूल गए। अभी एक 4-5 महीने पहले प्राचार्य सर, एक राकेश झुंझुनवाला साहब है जो शेयर मार्केट के बहुत किंग माने जाते हैं, उनकी एयरलाइंस भी है, काफी धनी व्यक्ति, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें वो कहते थे कि मेरे पास 62,000 करोड़ है, लेकिन मैं अपने आप को, मैं जो किडनी का मुझे प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों हमने हेल्थ को गिरवी रख के पैसों के पीछे भागना शुरू किया कि जब पैसा आ जाएगा तब हेल्थ को ठीक कर लेंगे, ना फिर हेल्थ बची ना पैसा बचा। और उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गुनेगारों की इस दुनिया में
गुनहगारों की इस दुनिया में हम भी गुनाह कर बैठे, कैसी मिली थी जिंदगी और कैसी तबाह कर बैठे। दोस्तों कुछ वक्त बिल्कुल हमने स्पोर्ट्स के लिए देना जरूरी है, और आप तो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आप और ज्यादा वक्त दे सकते हो और आप और आगे चलकर आसमान की बुलंदियों को छू सकते। खेलो इंडिया से लेके ये महाराष्ट्र मिनी ओलंपिक से लेके कितने कितने अभी नए ऐसे स्पोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें आप आपको साबित कर सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जिमखाना का अहवाल ननौड़े सर पढ़ रहे थे कि कितना सुंदर आप आगे बढ़ रहे हो, कितने सारे शिव छत्रपति स्टूडेंट भी आपके बीच में हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और जिसके पास स्किल है, जिसके पास में आगे बढ़ने की क्षमता है, उसके लिए तो सरकार भी बहुत काम कर रही है। और ऐसा ही नहीं, ये सिर्फ भाइयों के लिए, ये मेल के लिए सिर्फ नहीं, जितनी बहनें हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। तो कुछ वक्त हमने बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए जो भी अच्छा लगता है हमें उस ओर हमने आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आज जापान, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड से करोड़ों करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की कैंडल जो हमारे इंडिया के मार्केट में है, उनको जिस तरह से मैं मार्केट में पटकने लगाता हूँ, उसी तरह से मैं स्पोर्ट्स में भी वहां से आए हुए खिलाड़ियों को पटकने लगाता हूँ। नियमित शराब, मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, मैं जो कैंप में भी अपना स्प्राउट का बॉल लेके नींबू निचोड़ कर मैं खाता हूँ, वो लोग इतने तगड़े तगड़े 150-200 किलो के एक नाश्ते में पूरा चिकन खत्म कर देते हैं। लेकिन कई बार ननौड़े साहब मैंने देखा कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में कहीं इंजेक्शन ले लिए, कहीं दवाइयां ले ली और डोपिंग में पकड़े गए, और जहां अच्छा कैरियर हो सकता था उनका, वहां उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, उसमें से वो पीछे रह गए। तो ये शॉर्टकट वहां पे नहीं चलेगा दोस्तों। अब तो स्टेट हो, नेशनल हो, हर जगह पे बड़ा ध्यान रखा जाता है इस डोपिंग के ऊपर में, तो आप बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मार सकते। बस आप नियमित शराब करते हुए अभी एक महीने के बाद में स्पोर्ट्स डिक्लेयर हुए और महीने के बाद जाकर हम काम करें तो नहीं चलेगा। हमने कंटिन्यू रोज का दिन हमारा बस ये तैयारी का दिन है, इस तरह से हम आगे बढ़े तभी हम सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आज आप में से काफी लोगों को आज यहाँ पे आपको सत्कार भी होगा, आपको सर्टिफिकेट भी दे जाएंगे, आपके मेडल्स भी दे जाएंगे, लेकिन जो पीछे रह गए उन्हें जरा भी हताश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने और जोर लगाना है, और आने वाले दिनों में आप सब आगे बढ़िए। मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स है दोस्तों, लेकिन जब अगली बार जब भी मुझे आने का मौका मिला, बस मैं चाहता हूं आपके साथ शर्त लगाना चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा मेडल्स आप लोग लेके आइए। बिल्कुल मंजूर है आपको ना? तो बिल्कुल हम लोग इस तरह से आगे बढ़े, और ये सिर्फ वैयक्तिक तौर पे नहीं, हम हमारे साथ साथ में हमारा प्यारा जो शिवाजी कॉलेज है, हमारा सतारा जिला है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, हमारा देश, हम सबका नाम रोशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। लेकिन एक बात मैं आप खास आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार मैंने अनुभव किया कि कॉलेजों में भी अगर एडमिशन भी लिया जाता है तो आगे चलकर क्या पढ़ाई करेंगे, कितना पैकेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, बस हमने सिर्फ पैसों के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। और आज तो समाज की व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है कि किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी बैंक बैलेंस है, हर किसी ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। कई ऐसे मित्रों से मिलता हूँ, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारियां करते हैं, चार पांच साल लगे रहते हैं, उसके बाद में कहीं उनको सफलता भी मिल जाती है, और फिर मैं जब उनसे मिलता हूं मैं कहता हूं क्या चल रहा है, तो बस अब यहां पे पोस्टिंग हो चुकी है और अब कुछ भी काम नहीं है हमको। तो ये कुछ भी काम न करने के लिए हमने थोड़ी यूपीएससी एमपीएससी पढ़ी थी, आज हमारे ऊपर देश का बड़ी जवाबदारियां है, ये पढ़ाई करके हम आगे चलकर ये शासकीय परीक्षाएं क्लियर करके अगर एक अधिकारी बनते हैं तो दुनिया भर की जवाबदारियां हमारे ऊपर है। और कई बार ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि अब तो कुछ भी काम नहीं है, बड़ा सुकून हो चुका है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता दोस्तों। अगर इस तरह से आगे भी बढ़ना है तो हमने एक सही तौर पर एक सच्चे अधिकारी के तौर पे तैयार होकर हमने देश सेवा को ध्यान में रखते हुए ये पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन आज समाज में चारों ओर सिर्फ पैसों से एक दूसरे को तोलना शुरू कर दिया। जिंदगी में पैसों की जरूरत है,
सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़ जाए, लेकिन इतने भी ना हो जाए कि फिर उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, अब पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है। ये सब बातें उस फुटपाथ पे खुली गटर के बाजू में मैं कहता तो शायद कुछ मतलब नहीं था, लेकिन उस माइनस से, उस जीरो से मेहनत करते करते आज 250 करोड़ की कंपनी में खड़ी कर पाया तो मुझे बिल्कुल हक है। और मेरे जैसा एक दृष्टिबाधित, एक दिव्यांग ये कह सकता है, कर सकता है, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कर सकता हूं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, बस उसको पूरी ईमानदारी और लगन से करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, कुछ भी हो, उसको 100% देके हम करने की कोशिश करें। एक बात ध्यान रखें, आज का दिन गया वो कभी वापस नहीं आने वाला। और हम क्यों काम मांगने वाले बने, हम काम देने वाले क्यों नहीं बन सकते। स्पोर्ट्स कोटा में से भी बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हम उसको, उन अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। 2011 में नेहरू माउंटेनियरिंग से मैंने पर्वतारोहण की माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। आज करसुबाई से लेके माउंट खिली बंजारो, एडवांस कैंप माउंट एवरेस्ट का, बेस कैंप माउंट एवरेस्ट का, ये सब शिखर में तय सर कर चुका हूँ। ये फोटोग्राफ जब प्राचार्य सर मेरे दोस्त देखते हैं तो मुझसे अक्सर कहते हैं कि तुम्हें भावेश डर नहीं लगता, हाथ स्लिप हुआ तो गए 8-10 हजार फुट नीचे। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। तो जो हमारे जीवन में भी ये जो वीकनेस है, ये वीकनेस नहीं है, उसको ओवरकम करके हम उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। और आज माननीय प्राचार्य सर की लीडरशिप में गायकवाड़ सर, हमारे ज्येष्ठ यहाँ पे प्राचार्य सर यहाँ पे विराजमान है, उनकी उपस्थिति में ये इतना बड़ा प्यारा प्रोग्राम हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मुझे आकर दूर दूर तक नहीं लगा कि किसी कॉलेज के फंक्शन में आया हुआ हूँ, ये भरे पूरे परिवार के बीच में आया सर का मुझे फील हो रहा है। दोस्तों, ये आपस में मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्राचार्य सर ने प्यार, आत्मीयता और मैत्री के धागे में आप सबको बांध कर यहाँ पे आप सब इकट्ठा हुए हैं, ये मिलना जरूरी है, क्योंकि मिलने से रास्ते निकलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है। हम प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करने की कोशिश करें। और इस मिलने मिलाने पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, अरे आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कार्य आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे फिर आ जाए। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो ठहर जाना, अगर रस्ते में कोई मजारे आ जाए, आ कहीं मिलते हम ताकि बहारे आ जाए। और यहाँ पे प्राचार्य सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सिर्फ एक भावेश का मान सम्मान नहीं है, देश में बसने वाले करोड़ों 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 दिव्यांग मित्रों का मान सम्मान है। आप यकीन करें ना करें गायकवाड़ साहब, लेकिन हमें तो ऐसे फंक्शनों में लास्ट बेंच भी नसीब नहीं होती, लेकिन ये शिवाजी कॉलेज ही कर सकता है कि आपने यहाँ पे प्रमुख पाहुणे के तौर पर, आपने एक अतिथि के तौर पर हमें आप सबके बीच में बुलाया। ये जो मान सम्मान दिया, ये जीवन भर मेरे लिए ऋण है, मेरे हजारों लाखों करोड़ों दिव्यांग मित्रों के लिए ऋण है। उन सब की तरफ से आपका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा है, आप सबके प्रति मेरे मन में जो एक रिस्पेक्ट है, आज आप सबके बीच में मुझे कहने के लिए बड़ी विवश करती है कि जब सभी सहनशाह अपनी अपनी कब्रों में बूंद बनकर बैठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। और सदियां बीते जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी शिवाजी कॉलेज घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे। बस
आखिर में 30 सेकंड में कह देना चाहता हूं, जो भी आज के पुरुषार्थी हैं उनको बहुत 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 अभिनंदन देता हूं, लेकिन आप यहां पे मत रुकिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी कुछ सफलता हाथ लगी नहीं पर हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। वापस फिल्म की बात करता हूँ, हाउसफुल 4 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं ना कि कभी कभी तो लगता है कि अपुनज भगवान है, तो दोस्तों ये मानसिकता से दूर रहें, ये सफलताओं से हवा में न उड़ते हुए अपने पैर जमीन से जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जितने भी पुरुषार्थी हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया उन सबको मैं बहुत अभिनंदन देता हूं, लेकिन जो कहीं पीछे थोड़े के लिए रह गए उन्होंने जरा भी हताशा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आ रहे इसलिए दूसरे जीत पाए। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखें और ये हार को स्वीकार करते हुए कहां पे कम पड़ गए उसको आप ढूंढिए और उसके ऊपर काम करते हुए अगली बार आप भी उन पुरुषार्थियों की श्रेणी में बिल्कुल आप शामिल हो पाएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट न होते हुए ये नेशनल इंटरनेशनल से भी आगे बढ़ने की कोशिश की है। बस इसके लिए विजन का होना जरूरी है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था मार्केटिंग वाली बात कही थी, बस जिंदगी में हमारा विजन क्लियर करें कि किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहते हैं तो फिर 100% देके दिन रात एक करके हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की कोशिश करें। लक्ष्य उद्देश्य टारगेट कुछ भी नाम हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले वंस अगेन सभी मान्यवरों का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, शिवाजी कॉलेज का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतने प्यारे वातावरण में मुझे आने का मौका मिला, इतने एनर्जिक वातावरण में आने का मौका मिला, मेरे प्यारे मित्र ननवड़े साहब का और मेरे सबसे यंगेस्ट जो मित्र आज बने गायकवाड़ साहब आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए इसी विजन इसी लक्ष्य मेरी जो पसंदीदा दो लाइन है वो कहते हुए मेरी बातों को पूरा करना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ, अरे मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ हैं, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। आपका बहुत थैंक यू सो मच। अभी हाथ आगे बढ़ाओ, बजाओ रुको, अब छाती के पास हाथ लो और बजाओ, अभी बजाते रहिए। दोस्तों ये मैं ये कहना चाहता था कि जिंदगी में कुछ और हो ना हो हमारी जिंदगी में कृतज्ञता के भाव होना बहुत जरूरी है। मैं महाबलेश्वर से काम धंधा छोड़कर यहाँ पे आया तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन तो मिलना चाहिए। आनंद सभागृहामध्ये एक नृत्याविष्काराचा प्रयोग होतो, त्या मैत्रिणी बरोबर ती त्या ठिकाणी त्या सभागृहामध्ये जाते आणि त्या सभागृहामध्ये त्या मैत्रिणीचा जो नृत्याविष्कार पाहिल्यानंतर मग अशी जसं भाटियाजी असं म्हणाले की मला स्टँडिंग ऑडिशन मिळालं पाहिजे, खरं आहे। त्या मुलीचा नृत्याविष्कार पाहिल्यानंतर त्या षण्मुखानंद सभागृहामध्ये असणाऱ्या हजारो प्रेक्षक जो त्या नृत्याचा आविष्कार पाहण्यासाठी आलेले होते, ज्याने तो डोळे भरून आपला तो नृत्याचा आविष्कार पाहिला, त्याने उभं राहून त्या मुलीला स्टँडिंग ऑडिशन दिलं, त्या विद्यार्थ्या मुलीच्या बरोबर आलेली ती जी मैत्रिणी होती ती मैत्रिणी त्या गॅलरीमधून तिचा हा सर्व आनंद आणि आनंद सोहळा ती पाहत होती। मित्र तिथून ती बाहेर पडतात, त्याच वेळेला या मुलीच्या मनामध्ये एक अशा स्वरूपाचा अंकुर पेरला जातो की जसं माझ्या या मैत्रिणीला स्टँडिंग ऑडिशन मिळालं तशा स्वरूपाचं स्टँडिंग ऑडिशन मला कधी मिळेल का, हा एक अंकुर तिच्या मनामध्ये पेरला जातो। ती तिथून घरी निघून येते, रूमवर येते, परीक्षा होतात आणि हे सर्व मैत्रिणी आपापल्या गावाकरती जातात, ही मुलगी सुद्धा आपल्या कर्नाटकाकरती जात असते। जाताना दुर्दैवानं या मुलीच्या एक गाडीचा अपघात होतो, तिला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं जातं, हॉस्पिटलमध्ये असणाऱ्या डॉक्टरांच्याकडून त्या मुलीच्या पायावरती उपचार करायचे असतात, काही काळ वेळ होतो तो उपचार करण्यासाठी आणि त्या मुलीच्या पायाला गँग्रीन होतं। हे गँग्रीन काही काळानंतर या स्टेजला जातं की त्या डॉक्टरांना अशा स्वरूपाचा एक निर्णय घ्यावा लागतो की तो पाय
मांडीतून कापावा लागतो, तोडावा लागतो, तो पाय तोडला जातो, तिच्यावरती उपचार होतात आणि ही मुलगी आपल्या घरी जाते. घरी गेल्यानंतर जे स्वप्न घेऊन ती त्या मुंबईमधून आपल्या घराकडची निघालेली असते, या मुलीच्या त्या घरामध्ये ते पावसाचा गोळा होऊन पडते. समोर टी व्ही पाहत असतो, टी व्हीबरोबर दिवस घालवणं हाच तिच्या जीवनाचा आता अंतिम उद्देश राहिलेला असतो. एक दिवस त्या टी व्हीवरती एक कुणाचं तरी मनोगत सुरू असतं, त्यावेळी त्याला एक असा सल्ला मिळतो त्या टी व्हीतून की राजस्थानला एक कृत्रिम पाय निर्माण करण्याची एक व्यवस्था आहे. ती हा विचार आपल्या वडिलांना सांगते आणि त्या मुलीला राजस्थानला एका हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं जातं. विद्यार्थी मित्र, एक उच्च ध्येय असणारी माणसं कशी झपाटलेली असतात याचं एक अतिशय चांगलं उदाहरण आहे. त्या राजस्थानच्या हॉस्पिटलमध्ये एका तिला ॲडमिट केल्यानंतर एक कृत्रिम पाय बसवण्याची प्रक्रिया त्यामध्ये सुरू होते. अडचण खूप येतात त्याच्यामध्ये, पण ते डॉक्टर जे उपचार करत असतात त्या डॉक्टरांना ही मुलगी 15-16 वर्षाची 18 वर्षाची ही मुलगी असेल, तिला डॉक्टरांना एक प्रश्न विचारते की डॉक्टर काका, तुम्ही माझ्यावरती कदाचित हा पाय मला बसवाल, पण या पायानं मला नृत्य करता येऊ शकेल का? दुर्दैवानं त्या क्षणाला हे डॉक्टर त्या मुलीला त्याचं उत्तर देऊ शकत नाहीत. त्याचं कारण हे होतं की हा पाय बसवल्यानंतर कदाचित ती चालू शकेल, पण या मुलीचं जे स्वप्न आहे हे स्वप्न यामुळं पूर्ण होऊ शकेल की नाही याबाबत ते डॉक्टर स्वतःसुद्धा त्यांनी साशंक असतात. ते न उत्तर देता तिथून बाहेर पडतात त्या ऑपरेशन थिएटरमधून आणि चिंतन करू लागतात, विचार करू लागतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या डॉक्टरांनी APJ अब्दुल कलाम साहेबांना फोन केला, काही मित्रांना फोन केला आणि त्याच्यावरती रिसर्च सुरू झालं की जेणेकरून हा कृत्रिम पाय बसवल्यानंतर या मुलीला चालता येण्याबरोबरच तिला नृत्याविष्कार तो करता येऊ शकेल का. प्रयत्न केला जातो, तो पाय बसवला जातो आणि तो पाय बसवल्यानंतर ही मुलगी दोन पावलं पुढे चालते. तिच्या चेहऱ्यावरचा तो जो आनंद होता, हा आनंद डॉक्टर असं म्हणतात की माझ्या जीवनामध्ये एवढ्या प्रचंडाच्या स्वरूपाच्या प्रवासामध्ये मला तो जो जीवनातला तिच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद होता, या आनंदापेक्षा दुसरं जीवनामध्ये काहीही मला मिळालं नव्हतं. हळूहळू प्रॅक्टिस केली जाते, प्रयत्न केले जातात आणि ही मुलगी नृत्य करण्याचा प्रयत्न करते. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की प्रचंड वेदना होत असतानासुद्धा ज्या ध्येयापर्यंत मला पोहोचायचं आहे, ज्या उद्देशानं ती बेभान झालेली होती, जे साध्य तिला करायचं होतं, त्या साध्याच्या पुढं, त्या उद्दिष्टापुढं या मुलीला तिच्या होणाऱ्या वेदना कधीही त्याला कारण त्रासदायक ठरल्या नाही. तिनं तो नृत्याविष्कार प्रयोग केला, प्रयत्न केला आणि पुन्हा 2 वर्षानंतर 3 वर्षानंतर 2.5 वर्षानंतर ती मुंबईला आली. ज्या षण्मुखानंद सभागृहामध्ये आपल्या मैत्रिणीनं जो नृत्याविष्कार केलेला होता, त्याच सभागृहामध्ये पुन्हा हा तिच्या नृत्याचा प्रयोग केला जातो. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की जी मुलगी एक स्वप्न घेऊन त्या षण्मुखानंद सभागृहातून बाहेर पडलेली होती, त्याच मुलीनं पुन्हा त्या षण्मुखानंद सभागृहाच्या त्या व्यासपीठावरती सलग अखंड अविश्रांतपणे कुठंही क्षणाचा रुसंत न घेता 3 तास त्या सभागृहामध्ये आपला नृत्याविष्कार केला. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की या 3 तास त्या नृत्याविष्कार केल्यानंतर त्या मुलीनं तिथं उभी राहिली. त्या मुली जसं भाटिया जाता असं म्हणाले की त्या काही स्टँडिंग ऑडिशन मिळायला पाहिजे, या मुलीला तिथं स्टँडिंग ऑडिशन मिळालं. काही काळ क्षणभर ती तिथं उभा राहिल्यानंतर त्या मुलीनं जो पाय कृत्रिम बसवलेला होता, तो कृत्रिम बसवलेला पाय बाजूला काढला आणि एका पायावरती ती उभी राहिली. आणि मला असं वाटतं की ज्या उद्देशानं जे स्वप्न आपल्या उराशी बाळगून ती मुलगी त्या सभागृहातून बाहेर पडलेली होती, तोच उद्देश साध्य करण्यासाठी अविश्रांत परिश्रम घेऊन पुन्हा त्याच सभागृहामध्ये त्याच व्यासपीठावरती अखंड नृत्याविष्कार करून जे स्वप्न बाळगलेलं होतं ते स्वप्न साकार केल्यानंतर म्हणजे तू पाय बाजूला काढते आणि सांगते की हा पाय कृत्रिमपणानं बसवलेला आहे. मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या जीवन प्रवासामध्ये या मुलीच्या जीवनाची कथा सांगणारा एक नाचे मयुरी नावाचा
एक चित्रपट भविष्यामध्ये पूर्वीच्या काळी आलेला होता, त्या मुलीचं नाव होतं सुधा चक्रण. मला असं वाटतं की अशा स्वरूपाचं ध्येय, अशा स्वरूपाचं उंचाच्या स्वरूपाची ध्येय आपल्या उराशी बाळगली आणि ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा आपण जर त्या ठिकाणी केली तर जीवनामधलं यश हे निश्चितपणे आपल्या पायाशी डोळन घेत असतं. मला असं वाटतं की अशा स्वरूपाचं उच्च ध्येय साध्य ठेवून त्या दिशेनं प्रवास करण्यामध्ये जे जे विद्यार्थी त्या ठिकाणी यशस्वीपणे वाटचाल करत असतात, कोणत्याही कष्टाची कोणत्याही वेदनेची तमा न बाळगता आपल्या ध्येयासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतात, त्या विद्यार्थ्यांचा या सभागृहाच्या निमित्तानं किंवा अशा स्वरूपाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण त्यांच्या पाठीवरती शाबासकीची थाप टाकतो. ती थाप टाकण्यासाठी म्हणून आपण अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करतो. आमचे कुसुमाग्रज एका कवितेमध्ये असं म्हणतात की पैसे नको सर, थोडासा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही त्यांना, पाठीवरती हात टाकून फक्त लढ म्हणा. हे लढ म्हणण्याची ताकद आणि लढ म्हणण्याची शक्ती या निमित्तानं आपल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरती मिळावी याच उद्देशानाचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. मला असं वाटतं की या विद्यार्थ्यांना तो अभिनंदन करणं, त्यांच्या पुढच्या वाटचालीला शुभेच्छा देणं हाच या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश आहे. याच निमित्तानं आपण या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत. मी पुन्हा एकदा ज्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक प्राप्त झालेली आहे त्या विद्यार्थ्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. ज्यांना पारितोषिक मिळाली नाही, मगाशी भाटियाजी असं म्हणाले की पारितोषिक त्याच विद्यार्थ्यांना मिळालेली आहेत की जे त्यांच्याबरोबर साथीला कोणतरी होते म्हणून त्यांचं वेगळेपण सिद्ध झालेलं आहे. मला असं वाटतं की ज्यांना मिळालेले आहेत त्यांचंही मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. जे या पारितोषिकापासून दोन पावलं पाठीमागे राहिलेले आहेत यांना सुद्धा पुन्हा एकदा नव्या उत्साहानं आणि प्रेरणेनं या पारितोषिकाला गवस निघालण्याची प्रेरणा त्यांच्यामध्ये मिळावी अशा स्वरूपाच्या शुभेच्छा या निमित्तानं व्यक्त करतो. मला अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी साहेबांनी या ठिकाणी निमंत्रित केलं त्याबद्दल सर्वांची मी कृतज्ञता व्यक्त करून माझ्या विचारांना पूर्ण विराम देतो. जय हिंद, जय हिंद. राष्ट्रीय
या प्रोग्राम मध्ये विजय प्रमुख म्हणून आहे कुमार।